भाभी द्रौपदी। हाँ कहिए देवर। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ आपको कहीं पे चलना है। कहाँ चलना है मुझे, कहाँ ले जाएगा तू? आज हस्तिनापुर के दरबारों में आपको एक स्पेशल आदमी ने बुलाया है। मुझे? हाँ। किसने बुलाया है? उसने बुलाया है जिसका इंद्रप्रस्थ के महल में तूने बड़ा निरादर किया, अपमान किया। अच्छा, पहले हमने प्रतिगामी दूत भेजे, उनको आपने डरा धमका के वापस भेज दिया। अच्छा, लेकिन अब दुशासन आया है द्रौपदी भाभी, बिना किंतु परंतु के मेरे साथ सभा में चल। और अगर मैं ना जाऊं तो? ना जाएगी तो मैं तेरे को उठा के कंधे पे या फिर तुझे घसीटता हुआ सभा में लेके जाऊंगा। मैं कह रही फालतू बकवास मत ना करे, इज्जत से बात कर। रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी एक माँ के समान होती है। होती है ना जी? मम्मी जी बोल, मम्मी जी। और सुन, मैं अब तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। हे द्रौपदी चा अंधे का अंधा याद करे। अच्छा, वो अंधे का अंधा, तो सुन मेरी बात। मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी पूरी इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी पूरी इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी हाथ छोड़ दे, केवल पकड़ा है, खींचा नहीं है। अच्छा, समझ जा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। तू समझ जा मेरे अंदर ताकत। द्रौपदी भी ले रही है, पांच पांच पति वैसे ही नहीं झेल रही। द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी पूरी इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना, ये मामा सकुनी है दोनों। अब इनमें होड़ लाग गई, 50 का यो देगा, 50 का यो देगा, और चाहे इनके लत्ते बिखजा देते रहेंगे ये। हाँ, मैं भाई तो बता रहा हूं, तो मैं और कसाई थोड़ी हो तुम। आ जाओ, खुद है गर्मी हो रही, कदे मशीनरी बिगड़ जा। अरे रहन दे भाई, तू इज्जत ने के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। और सेला कर ले दिख, ठंडा करे ला मुंह जाले जा करे। हे खारा कर दे गर्म नहीं, सेला कर ले। हृदय होता नरम नहीं। तुम भी बेटी न बुरा तो कोसो, यो छतरी का धर्म नहीं। बेटी न बुरा तो कोसो, यो छतरी का धर्म नहीं। और मन हलकारा मत ना तू जाने, मन हलकारा मत ना जाने। घनी बकवाद करे, तेरे सर पर जाऊंगी तू साहसन तू। मत ना घनी अनादि करे, तेरे सर पर जाऊंगी तू साहसन तू। मत ना घनी अनादि करे। Thank you.
भी दुशासन मतलब गणी अनाद करे। बिल्कुल, अनाद का मतलब होता है अंगाई करना, बुरा करना। जी ए पंचाली, हाँ तू देख अपने आप को कि तू कितनी अनाद करती है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती। अच्छा, मैंने क्या कर दिया? मेरे भाई को अंधा कहती है। तो तेरे भाई को बोला मैंने, तुझे क्या बोला, तू क्यों इतना छो में आ रहा है? अरे मेरा भाई है वो। अच्छा, हाँ तो वो तेरा भाई, मैं भी तेरी भाभी हूँ। अब तू मेरी भाभी को ना, फिर क्या हूँ तेरी? तेरे पांच पति जुए के खेल में हार गए। अच्छा, फिर उन्होंने तुझे भी दांव पे रख लिया, हमने तू भी जीत ली। ओहो, तू भाभी नहीं। अच्छा, तू तुम्हारी नौकरानी है। नौकरानी? दासी है। दासी? हाँ। अच्छा, रहने दे देवर, रहने दे, फालतू की बकवास मत ना करे। क्या है अपनी बात? मारी अनाद बतावे है, अपनी खता बताई नहीं। देखो मेरे कैसी, हेरे मेरे जैसी, और किसी में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जैसी और किसी में देवर मिले समाई नहीं। तेरे ते ज्यादा मारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं। तू पे अदबी से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। बेअदबी से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। ये तेरे कैसे मुजरिम पे, तेरे कैसे मुजरिम पे कौन दया जलाद करे। कौन दया करे कलाकारों को 500-500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और रेवाड़ी से नंबर वन हॉस्पिटल है, प्राइम हॉस्पिटल, वहां से उनके ओनर मेरे बड़े अच्छे मित्र, बड़े भाई आदरणीय पवन यादव जी, बहन जी सुधा यादव जी, आइए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के आइए, वेलकम, स्वागत आपका। मदद करना जी, हेल्प करना। पांचाली द्रौपदी, हाँ वो भगवान केवल सच्चे और अच्छे व्यक्ति की मदद करता है। अच्छा, ना कि जिसकी लंबी जबान हो, बड़ों का अपमान करती हो, ऐसे की मदद नहीं करता। देवर जी आपको एक बात बताऊं, शायद आपको पता नहीं है कि मैं बेबे किसकी हूँ। किसकी बहन है? अरे मैं तो उसकी बहन हूँ जिसके इशारों पे ये पूरी दुनिया चलती है। सुनिए वे सुनिए, हेलो के कहा? जिसके इशारों पे पूरी दुनिया चलती है। उसकी बहन है जिसके इशारे पे दुनिया चलती है। जी फिर तो मेरे साथ तेरा भाई को ट्रैफिक पुलिस वाला होगा, वो इशारा करे दुनिया चल है। अरे नहीं, और अरे जिसकी मुरली पे सारी गोपियां ही झूमती है। आज कोई झूमने वाला नहीं है। मैं उस कृष्ण की बात कर रही हूँ। हम नहीं मानते उसको कुछ भी। अच्छा, हम कौरव है, आज उसको भी सबक सिखाएंगे, तुझे भी सबक। अच्छा? सिखाएंगे। कहते अपनी बात। ये तेरी मिताती ने देखेंगे
नंगा नाच नचावे तभी कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावे खेल खिलावेंगे हर वो षष्ठी के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे वो षष्ठी के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे ए तेरा नंगा नाच देखे के तेरा नंगा नाच देखे तेरा नंगा नाच देखे दुर्योधन परमात करे कर नहीं किसे में चोरी साजो गंगा जी में शादी करे नहीं किसे में चोरी साजो गंगा जी में गात करे जो गंगा जी में गाद करे बिल्कुल लेकिन हम कर देंगे गाद कैसे मैं अकेला कौन है तो फिर हम पूरे 101 है 101 ओहो और जरा समझाओ इसे अगर 101 आदमी गंगा जी में भीतर बढ़ के जोर जोर के कूद देंगे के गाद नहीं उठेगी उठा देंगे कितने हो 100 भाई एक बहन दुसाला पूरे 101 है ओहो कितनी छाती चौड़ी करके कह रहा है जी 101 भाई 101 लेकिन एक बात बता उसमें जी सौ सूतनी भूतनी का और कुछ काम था क्या बस यही काम था ओ देवरी पहले हमारे पिता को अंधा कह दिया हाँ ये हमारी माँ को भी उतनी भूतनी कह रही है ये बोल बोल के तूने पांडवों के विनाश का दूसरा पेड़ दूसरा रूख जमा लिया अब अंत निश्चित है तुम्हारा अरे दूसरा क्या तीसरा भी जमेगा तू मेरी पूंछ फाड़ ले है तेरे पूछ द्रौपदी नाम है मेरा द्रौपदी और द्रौपदी अग्नि का स्वरूप है आग की तरह हूँ आग की तरह दूर रही नहीं भस्म कर दूंगी ए मेरे राम क्यों झूठी बात करे है द्रौपदी नाम है मैं आग हूँ बिल्कुल चल मान जाऊंगा तू आग है हाँ एक काम कर क्या मेरे ताऊ की बीड़ी बुझ गई सास का दिखा दे अरे रहने दे भूख जाएगा ताऊ भी रुक दूसरा रुख दूसरा लगा दिया तन पहला बोया काटा ना ये साप कहने में ओ तेवर दिल जा मेरे पदाता ना हमने कौरव कौन कहे जे तने थूक के साटा ना उस ईश्वर की माया का बेरा किसे न ईश्वर की माया का मेरा किसे न एक पहला बोया काट्या ना रे 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 क्यों ताजा खड़िया फिसाद करे गुरु मान सिंह के भजनों में नित्य नई रघुनाथ फरादी करे गुरु मान सिंह के भजनों में नित्य नई रघुनाथ फरादी करे ये द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे मैं सब हमें जान लायक ना मेरी हुई जत बर्बाद करे सब हमें जान जेठ गल भी जी लागे हैं क्यों इंद्रप्रस्थ के महल में मैं बुलवाया जी मेरे साथ ऐसा धोखा करा जमीन पे ऐसा संगमरमर का पत्थर लगाया
कि जहां पानी दिखता था वो सूखी जमीन, जहां सूखी जमीन दिखे वो पानी। दीवारों पे ऐसा पत्थर लगाया, जहां दरवाजा दिखता वो दीवार, जो दीवार है वो दरवाजा। मैं भ्रमित हो गया और मैं सूखी जमीन को देख के पैर जैसे ही दरार में रपट के पानी में गिर गया। ऊपर छज्जे पे बैठी हंस के मेरा बोली मारी के देखो अंधों के अंधे पैदा होते। आज तुझे वो सबक सिखाने के लिए सभा में बुलवाया पांचाली, तेरी जगह कोई मर्द होता तो उसको वही जान से मार देता, लेकिन आज भरी सभा में मैंने तो सजा देने के लिए बुलवाई और मैंने तेरी दो सजा सोची है, दो में से तू एक मंजूर कर जा, चली जा। जीट जी, आप इतनी छोटी सी बात को आप जीट जी दिल से लगा के बैठे हो। हाँ, उसी तो मैंने आपके साथ में हंसी मजाक करी थी जीट जी। तो आज मजाक मेरी झेल के देख, मजाक करने का तुझे सबक सिखाऊंगा। मजाक? आप मेरे साथ ही मजाक करेंगे? हाँ। बताइए कैसी? मैं तुझे सजा दूंगा। सजा? और तेरी सजा ये है कि तू निवस्त्र नग्न होकर मेरी भाई जांग पाके बैठ। जीट जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? निवस्त्र नग्न होकर मेरी भाई जांग पे बैठ, मतलब आपकी घर की इज्जत, आपकी घर की बहू आज इस भरी सभा में आपकी जांग पे बैठेगी? नहीं बैठना। नहीं बैठना? अगर नहीं बैठना तो कोई बात नहीं। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि पांचाली पे नाचना वो जोर का वे है, मेरी सभा में दो ठुमके मार दे और जा मैं तने माफ कर दूंगा। और अगर नहीं नाचू तो? नहीं नाचेगी तो पांचाली हाँ अपने मालिक से ऐसे बात करेगी। अच्छा? हाँ। और आप अपनी घर की इज्जत से ऐसी बातें करेंगे? मेरी इज्जत थी, जब तू तेरे पतियों की इज्जत नहीं रही, तुझे जुए के खेल में दांव पे लगा दिया, तो मेरी इज्जत कहाँ रही तू? अच्छा, नाचना होगा? नहीं नाचूंगी जेठ जी। सुन मेरी बात, कहिए बात। चल पांचाली, हाँ ए रे नाच के दिखाइए रे। अच्छा, और अगर ना नाचू तो तू पिटेगी? तो सुन मेरी बात, हो दुर्योधन बेईमाने, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान हो समे रे पांचाली, नाच के दिखाइए रे पांचाली, नाच के दिखाइए रे। अरे दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, अरदास को चाहिए वो मालिक का सारा हुक्म बजावे रे। अरे ओस का पानी दुर्योधन ना काम प्यास के आवे रे। तेरी इमदादी कौन करे, तू किस पे निगाह जमावे रे। मेरे पांचों पति जिंदा बैठे, मत दुर्योधन गरमावे रे। अरे दासी होके रे 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 रे, दासी हो के मत ना जुबान लड़ाइए रे, दासी हो के मत ना जुबान लड़ाइए रे। अरे दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान,
अंदर जीव चले तेरी। अच्छा जहरीली नागन बरगी। तू इज्जत माने भाव ना जाने तेरी आत्मा तो मरगी। पांच पांच के संग में रहवे मेरे नाम ते तू डरगी। तू वैसा कह के मने न चाहवे नीव नाचगी धरगी। आ बैठ जांग पे आ बैठ जांग पे मेरी दासी दिल बहलाइए रे। बैठ जांग पे दासी दिल बहलाइए रे। ओ दुर्योधन बेईमाने दुर्योधन बेईमान वापस भेज दीजिए। आपकी घर की इज्जत आपकी घर में ही रह जाएगी। तेरे बोलो से तेरी बोली तो जो मेरे जिगर पे घाव बन रहा है। हाँ? उसका क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं जीट जी, भूल जाइए। मैंने तो आपके साथ में हंसी मजाक करी थी और आप तो इतना सीरियस हो गए। तो मजाक में दो ठुमके मार दे जा चली जा, क्योंकि तू नाचेगी सब देखेंगे। तू नाचेगी सब देखेंगे। पे मरहम लग जाएगा मेरे नाचने से दुर्योधन काल सोता जग जागा। और तेरी ओढ़ जो भी बोले सूली ऊपर टंग जागा। कैरो कुल का नाश करे भारतने यो ठग जागा। कैरो कुल का नाश करे भारतने यो ठग जागा। चल मार ले ठुमका बदला ले बिताइए रे। मार ले ठुमका बदला ले बिताइए रे। अरे दुर्योधन बेईमान चाहती हूं कि कहते हैं कि किसी ने किसी की जुदाई को मारा और किसी ने किसी की बेवफाई को मारा। कि किसी ने किसी की जुदाई को मारा और किसी ने किसी की बेवफाई को मारा। अरे वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसे राम की लुगाई ने मारा। अब तेरा नंबर है तो नहीं ये पांडवों की लुगाई मारेगी। तैयार हो जा बेटे। एक लगे तो पर खेत में जाके पड़ेगी। अच्छा तैयार हो जा बेटे। कदे अंधा बतावे कदे बेटा बतावे। सुन राज मारा हुकूमत मारी। के सीन है तेरा? के सीन है? तू क्यों दुख पा रहा है? तू गर्मी हो रही, तू जा अंदर। मैं तो मालिक हूँ। मालिक तू बता। मार दिया जाए। अच्छा छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए तेरे साथ क्या उनकी तरफ लखावे रे। ये जितने आज चुप बैठे कल तेरा काल बन आवे रे। और के औकात तेरी तिरिया। अच्छा हम ते जुबान लड़ावे रे। याही भूल मत करिए हमें
नंबर जगत मिटावे रे, राई बोल मत करिए हमें नंबर जगत मिटावे रे। और गौतम बाटी रे 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 रे, अमित चौधरी गुणियों को शीश झुकाइए रे, अमित चौधरी गुणियों को शीश झुकाइए रे। अरे दुर्योधन बेईमान